गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ यार मैं आपके सामने वीपीसी का पार्ट 3 लेके, जिसमें आज हम देखेंगे कि यार इम्प्लाइड राउटर क्या होता है, राउट टेबल क्या होती हैं और इंटरनेट गेटवे क्या होता है। इन तीनों चीज़ों को आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, राइट। तो जो मैंने यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है, जो एक आर्किटेक्चर मैंने बनाया हुआ है, इसी के एक एक करके हम कॉम्पोनेंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम जिस कॉम्पोनेंट को डिस्कस करने वाले हैं वो यहाँ लगा हुआ है, दैट इज माई राउटर, राइट। तो इसके बारे में पहले बुनियादी बातें हम देख लें, और आपको एक चीज और बता दूं कि जिस राउटर की हम बात कर रहे हैं यहां पे, दिस इज वर्चुअल, यानी एक्चुअल में ये वहां एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। बट इसीलिए इसको इंप्लाइड राउटर या लॉजिकल राउटर कहा जाता है, क्योंकि ये बिहेव एक राउटर की तरह करता है। एक्चुअली ये वीपीसी के अंदर वीपीसी की प्रॉपर्टी है कि वो राउटर की तरह बिहेव करता है, राइट। तो यहां पे हम इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए यहां पर बनाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये हैं कि ये राउटर इस पूरे आर्किटेक्चर में कहां बना हुआ होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो मैंने ये वीपीसी बनाया है, इस वीपीसी के अंदर और दोनों एजी के बाहर ये लगा हुआ होता है, यानी अवेलेबिलिटी जोन से बाहर है लेकिन वीपीसी के अंदर है, राइट। दोनों अवेलेबिलिटी जोन को ये कनेक्ट करा रहा है, यानी दोनों अवेलेबिलिटी जोन के बीच में हमने ये लगाया हुआ है। तो यानी दो अवेलेबिलिटी जोन के बीच में अगर कनेक्टिविटी करानी है तो इस राउटर से ही हो सकती है, राइट। ये बात आपको आई होप समझ आ रही होगी। तो आइए कुछ बुनियादी बातें इसकी जो हैं, जो मैंने यहाँ पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा है, ताकि आपका काम आसान हो जाए, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, राइट। इट इज द सेंट्रल राउटिंग फंक्शन, यानी ये एक राउटिंग के लिए ऑब्वियसली दो जो मेरे सबनेट बने हुए हैं, एक पब्लिक सबनेट, एक प्राइवेट सबनेट जो मैंने बनाया है, इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए विद इन अ वीपीसी, इनसाइड द वीपीसी मैं इस राउटर का इस्तेमाल करता हूँ, और यही राउटर मेरे ट्रैफिक को बाहर इंटरनेट गेटवे तक भी लेकर जाता है, राइट। इट कनेक्ट द डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन टूगेदर एंड कनेक्ट द वीपीसी टू द इंटरनेट गेटवे, यानी ये दो अवेलेबिलिटी जोन या दो से ज्यादा अवेलेबिलिटी जोन जितने भी आप इस वीपीसी के अंदर वीपीसी के अंदर अवेलेबिलिटी जोन है, अगर एक रीजन में 3 अवेलेबिलिटी जोन है या एक रीजन में नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर 6 अवेलेबिलिटी जोन है, तो उन सबके बीच में ये कनेक्शन इस्टैब्लिश करता है, यानी आपस में उनके, अगर एक मैंने इस अवेलेबिलिटी जोन में एक EC2 इंस्टांस बनाया है और एक EC2 इंस्टांस मैंने इस अवेलेबिलिटी जोन में बनाया है, तो ये दोनों आपस में बात कर सकते हैं बिना किसी राउटिंग प्रोटोकॉल के, बिना कोई रूट डिफाइन किए, राइट। आपको बताना नहीं पड़ेगा कि यहां से यहां जाने के लिए किस सबनेट पे जाना है या कौन से आपको जो है रूट के थ्रू जाना है, ये विद इन इनसाइड अ वीपीसी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, राइट। और दूसरा, ये राउटर आपको इंटरनेट गेटवे तक ले जाने का काम भी करता है। यहां इस राउटर के बाहर इंटरनेट गेटवे लगा है, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये इंटरनेट गेटवे आपके अकाउंट या आप ये कह सकते हैं आपके रीजन पे लगा हुआ है, राइट। ये आउटसाइड द वीपीसी लगा है, कुल मिला के इंटरनेट गेटवे आउटसाइड द वीपीसी लगा हुआ होता है, राइट। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। अब इंपॉर्टेंट बात है, यू कैन हैव अप टू 200 राउट टेबल्स पर वीपीसी। एक वीपीसी के अंदर कितनी राउटिंग टेबल बनाई जा सकती हैं? 200 बनाई जा सकती हैं, राइट। और कितने रूट एंट्री हो सकती हैं टेबल के अंदर, एक राउटिंग टेबल के अंदर? जैसे कि ये मेरा एक राउटिंग टेबल है, इसके अंदर 50 एंट्री मैं कर सकता हूँ, 50 रूट डिफाइन कर सकता हूँ कि यहाँ जाने के लिए ये रूट है, यहाँ जाने के लिए ये रूट है। मैक्सिमम 50 रूट मैं डिफाइन कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, राइट। और उस तरीके की कितनी टेबल मैं बना सकता हूँ, मैं 200 टेबल, रूट टेबल मैं बना सकता हूँ, यानी राउट टेबल जो आप क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट राउट टेबल का ऑप्शन आपको मिलेगा वीपीसी के नीचे, तो आप 200 राउट टेबल बना सकते हैं एक वीपीसी के साथ, राइट। और हर एक राउट टेबल में 50 एंट्री आप कर सकते हैं, ये हालांकि अपने आप में बड़ा नंबर है। Each subnet must be associated with only one route table at any given time. ये बहुत important है, ये मैं highlight कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा important है। Each subnet must be associated only with one route table at a time. ये याद रखिएगा, अगर आपने 2-3 route table बनाई हुई हैं और आपने subnet associate कर दिया किसी एक route table के साथ, तो दूसरे से वो अपने आप हट जाएगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। मैं lab में भी आपको दिखाऊंगा, यानी एक टाइम पे एक सबनेट जो है आपका, जो सपोज ये मेरा एक सबनेट है,
ये मेरा एक सबनेट है, ये किसी एक ही राउट टेबल के साथ एसोसिएट हो सकता है एक टाइम पे, मल्टीपल राउट टेबल के साथ सबनेट एसोसिएशन सिमिलर, यानी एक सबनेट दो राउट टेबल में नहीं हो सकता, एसोसिएट नहीं हो सकता। ऑलवेज रिमेंबर, सबनेट एसोसिएशन का ऑप्शन होता है आपके पास, वहां पे आप उसे एसोसिएट कराते हैं, और अगर आपने उसे किसी एक राउट टेबल में एसोसिएट कर दिया है तो वो दूसरे से अपने आप हट जाएगा, क्योंकि राउट टेबल में सबनेट एसोसिएशन जो है, जो सबनेट होगा वो एक ही राउट टेबल में एसोसिएट हो सकता है, राइट? If you do not specify a subnet to route table association, the subnet will be associated with the default VPC route table. आपको मैंने बताया था कि VPC जब आप नहीं भी आपने create किया है, तो हर region में एक default VPC होती है और उसका एक default route table होता है। तो अगर आपने किसी subnet को बनाने के बाद आपने associate नहीं किया है अपनी किसी route table से, जो आपने custom route table बनाई है, अगर आपने उनके साथ associate नहीं किया है, तो by default वो जो subnet है, वो default route table में एसोसिएट हो जाएगा। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली है कि अगर आपने किसी सबनेट को एसोसिएट नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट राउट टेबल के साथ एसोसिएट हो जाता है, राइट? You can also edit the main route table if you need, but you cannot delete main route table. This is also important कि आप main route table को कभी delete नहीं कर सकते। जब तक वो main route table की तरह behave कर रहा है, आप उसे delete नहीं कर सकते, right? वो बात अलग है कि बाद में आप उसको एक दूसरी बना के दूसरे को main बना दें, तो वो अपने आप main नहीं रह जाएगा, क्योंकि एक time पे एक ही route table main route table होती है, और वो delete नहीं हो सकती जब तक वो main route table की तरह behave कर रही है, right? अगर उसका आपने वो दर्जा छीन लिया है, आपने किसी दूसरे राउट टेबल को मेन राउट टेबल बना दिया है, तो वो पहले जो मेन राउट टेबल थी वो अब मेन नहीं रहेगी, वो कस्टम राउट टेबल हो जाएगी, एक नॉर्मल राउट टेबल हो जाएगी, फिर आप उसे डिलीट कर सकते हैं, राइट? बट मेन राउट टेबल जब तक वो है, आप उसे डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, आप उसमें अपने रूट ऐड कर सकते हैं, वो सारे काम आप कर सकते हैं। हाउएवर, यू कैन मेक अ कस्टम राउट टेबल मैनुअली। तो ये उसी का जवाब है जो मैंने अभी आपको बताया कि आप एक कस्टम राउट टेबल बना सकते हैं, बनाने के बाद आप उसको मेन राउट टेबल बना दें, मैनुअली आप उसको डिक्लेयर कर दें कि ये आज से मेरा मेन राउट टेबल है। ऐसा करने पे जो पहले वाला राउट टेबल था वो मेन रही रह जाएगा, और फिर आप उसे डिलीट कर सकते हैं, राइट? You can associate multiple subnet with the same route table. ये आपको याद रखना है कि जो subnet association है वो एक time पे एक ही route table के साथ होगा, लेकिन एक route table में multiple subnet associate हो सकते हैं, right? इस point को जरा ध्यान से सुनिएगा कि एक route table में सबनेट जो है वो आप मल्टीपल सबनेट को एसोसिएट कर सकते हैं, लेकिन एक सबनेट एक ही राउट टेबल के साथ एक टाइम में एसोसिएट रहेगा। आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी, राइट? नहीं भी आई है कोई मसला नहीं है, आप लेक्चर को बार बार देखें और जब लैब करेंगे तो ज़्यादा इजीली आपको समझ आ जाएगा, राइट? तो ये आपको समझ आ गया, मेरा यहाँ पे मेरा राउट टेबल लगा है और ये इसकी टेबल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टम राउट टेबल और मेन राउट टेबल लिखा है। मेन राउट टेबल का मतलब क्या है? मेन राउट टेबल का मतलब है कि मेरी जो डिफॉल्ट राउट टेबल थी, या एक मेरी जो मेन राउट टेबल, यहां अभी हम लोग जिसकी बात कर रहे थे कि मेन राउट टेबल को हम डिलीट नहीं कर सकते, हम उसे एडिट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट वीपीसी की एक मेन राउट टेबल होती है, जैसे ही आप वीपीसी क्रिएट करते हो एक राउट टेबल उसकी बन जाती है जो मेन राउट टेबल कहलाती है, राइट? तो ये उसकी मेन राउट टेबल है, राइट? यहां पे जो लोकल वाला सबनेट है ये आपको सब जगह मिलेगा, आप जितने भी सबनेट क्रिएट करते जाएंगे उस वीपीसी के अंदर, सबका लोकल जो होगा वो सबके अंदर होगा, यानी इस सबनेट में अगर आपने कम्युनिकेट करना है तो आपको किसी राउटिंग की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट सब टेबल में ऐड है, वो पहले से ही टेबल को मालूम है उस पे जाने का रास्ता, क्योंकि उसने उसे लोकल माना हुआ है, अपने ही एरिए का माना हुआ है, बाकी चीजें आपको ऐड करनी पड़ेंगी। तो मेन राउट टेबल होता है जो वीपीसी क्रिएट करते बनता है, जब आप वीपीसी क्रिएट करते हैं तो एक राउट टेबल भी क्रिएट हो जाती है, दैट इज योर मेन राउट टेबल। उसके अलावा जितनी भी टेबल्स आप क्रिएट करेंगे वो कस्टम राउट टेबल कहलाएंगी, राइट? तो बाकी जो टेबल मैंने ये क्रिएट करी है, ये मैंने खुद से क्रिएट करी है, तो ये मेरी कस्टम राउट टेबल हो जाएगी। इसके अलावा मैं एक और क्रिएट कर सकता हूँ, जितनी चाहूँ उतनी क्रिएट कर सकता हूँ, बट मैक्सिमम कितनी क्रिएट कर सकता हूँ आपको लिखा है, आप 200 राउट टेबल क्रिएट कर सकते हैं, हालांकि इतने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट? आई होप राउटिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इम्प्लाइड राउटिंग इज नथिंग बट इम्प्लाइड राउटर का मतलब है एक लॉजिकल राउटर, जो एक राउटर की तरह बिहेव कर रहा है बट एग्जिस्ट नहीं करता है एक्चुअल में इस नेटवर्क के अंदर, बट उसकी प्रॉपर्टीज है वीपीसी की कि वो राउटर की तरह बिहेव कर रहा है। तो हमने यहाँ पर एक दिखाने के लिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट में समझ आ जाए, AWS इसको इस तरीके से दिखाता है, राइट? तो आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेट गेटवे, उसकी बात कर लेते हैं। ओके,
तो आ गए हम अपने इंटरनेट गेटवे पे, और यार इंटरनेट गेटवे अगेन इज अ काइंड ऑफ राउटर, राइट? तो ये भी एक राउटर की तरह ही होता है, और ये भी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि लॉजिकल ही है, एक लॉजिकल एंटिटी ही है। हालांकि रियल टाइम में ये डेटा सेंटर के अंदर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, ऐसा भी नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट? और इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो सारे पॉइंट जितने भी बन सकते हैं, जितने भी FAQ हो सकते हैं, जितने भी सवालात हो सकते हैं, वो सारे मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, ताकि आपको कोई इशू ही ना हो, आप सिर्फ अपने नोट्स पढ़ें और आपके जवाब आपको मिल जाए, राइट? तो मैं कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूं, आपको इससे ज्यादा एक्सटेंसिव लेक्चर कहीं नहीं मिलने वाले हैं, राइट? तो मेक श्योर कि आप ही ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, यार मेरी भी थोड़ी हेल्प करें, क्योंकि मैं देखता हूँ 1,800-2,000 व्यूज होते हैं AWS पे, इसीलिए मैं डीमोटिवेट होकर मैंने पहले भी ये सीरीज छोड़ दी थी। मैंने बोला कोई फायदा नहीं है, लोग पढ़ते ही नहीं है, या लोगों को पसंद नहीं आ रही है शायद मेरी सीरीज। तो यार अगर पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फेसबुक पे जरूर शेयर करें, राइट? ये मेरी आपसे गुजारिश है, राइट? चलिए, एंड इंटरनेट गेटवे इज अ वर्चुअल राउटर दैट कनेक्ट्स अ वीपीसी टू द इंटरनेट, राइट? तो ये भी एक वर्चुअल राउटर की तरह है, जो क्या काम करता है, आपके वीपीसी को, ये मेरा वीपीसी है, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है यहाँ पे मैंने वीपीसी लिखा हुआ है, मेरे वीपीसी को इंटरनेट तक ले जाने के लिए इंटरनेट गेटवे इस्तेमाल होता है, राइट? तो इंटरनेट गेटवे जो है यही एक मीडियम है, एक जरिया है, जो मेरे वीपीसी को इंटरनेट से कनेक्ट कराता है। अगर मैं इसका रूट डिफाइन नहीं करूंगा अपने राउटिंग टेबल में, तो फिर मैं इंटरनेट तक नहीं जा पाऊंगा, राइट? उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो डिफॉल्ट वीपीसी हर रीजन के अंदर होता है, वो बाय डिफॉल्ट इंटरनेट गेटवे से अटैच होता है। यानी आप कोई भी उसमें EC2 इंस्टांस क्रिएट करते हैं, उसको पता होता है इंटरनेट पे कैसे जाना है, राइट? आपको इंटरनेट गेटवे अपने राउट टेबल में अपडेट नहीं करना पड़ेगा अगर आप डिफॉल्ट में काम कर रहे हैं, डिफॉल्ट वीपीसी में काम कर रहे हैं। इंटरनेट गेटवे उसमें बाय डिफॉल्ट अटैच होता है। ये एग्जाम में बहुत आता है, इंटरव्यू में बहुत आता है, आपको ये चीज याद रखनी है कि डिफॉल्ट वीपीसी बाय डिफॉल्ट इंटरनेट से इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट होता है, और कस्टम वीपीसी को इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट करना पड़ता है, राइट? ये डिफरेंस आप हमेशा याद रखें। So if you create a new VPC, then you must attach the internet gateway in order to access the internet. तो अगर आप खुद से VPC बना रहे हैं तो इंटरनेट गेटवे आपको अटैच करना पड़ेगा मैनुअली, राइट? पहले आप एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट करेंगे, फिर आप एक्शन में जाके उसे अटैच करेंगे, अटैच करने के बाद उसका रूट जो है अपने राउट टेबल में बताएंगे, राइट? तो ये सारी चीजें आपने करनी है। वो रूट क्या होता है, वो 0.0.0/0 जो है ये इसका रूट होता है जो आपने बताना है। ये कहां पे दिखा रहा है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स IGW, यानी इंटरनेट गेटवे पे जाने के लिए रूट है, राइट? तो जैसे ही मेरे पास राउटर के पास कोई रिक्वेस्ट आती है 0.0.0 के लिए, वो बाय डिफॉल्ट उसे इंटरनेट गेटवे के पास भेज देता है। और 0.0.0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक ऐसा रास्ता है जो कोई भी रास्ता नहीं है। कुल मिलाकर जो कॉलेज है या एक मकान है, उस मकान में आपकी समझ नहीं आ रहा कि मैंने कहां किस कमरे में जाना है, तो आप मेन गेट से एग्जिट कर जाते हो और आप बोलते छोड़ो यार। तो एक मेन गेट होता है किसी भी बिल्डिंग के अंदर, जिससे बिल्डिंग से बाहर निकला जाता है। तो दिस 0.0.0 जो है ये डिफॉल्ट रूट को रिप्रेजेंट करता है कि आपने उस नेटवर्क से बाहर जाना है, तो आपने इस मेन गेट से बाहर जाना है, राइट? तो ये आपको समझ आना चाहिए। Ensure that your subnet route table points to the internet gateway. आप मेक श्योर करें कि वहां पे 0.0.0/0 आपके राउटिंग टेबल में अपडेट हो रखा हो, वो एंट्री वहां पर हो, अदरवाइज आप इंटरनेट गेटवे पे नहीं जा पाएंगे। फिर आप अगर कुछ कोशिश कर रहे हैं इंटरनेट पे जाने की, या इंटरनेट से इसको RDP लेके पिंग करने की, वो सारे काम नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि राउटिंग टेबल में आपने रूट ही ऐड नहीं किया। और ये एरर आता है जब आप लैब करेंगे AWS की, मैं VPC क्रिएट करवाऊंगा और आप कहेंगे सर हमारे डिवाइसेस पिंग नहीं कर रहे, या मैं RDP नहीं ले पा रहा हूं अपने EC2 इंस्टांस का, तो उसमें एक रीजन ये हो सकता है कि आपने राउटिंग टेबल में ये ऐड ना किया हो। मेक श्योर, राइट? इट परफॉर्म्स नेट बिटवीन योर प्राइवेट एंड पब्लिक IPv4 एड्रेस। नेटिंग भी ये करता है। देखिए, नेट गेटवे, वैसे मैंने हमेशा मैंने आपको बताया कि पब्लिक सबनेट के अंदर नेट गेटवे हम बना के लगाते हैं, हम क्रिएट करते हैं, और वो क्रिएट कहाँ पे होता है, पब्लिक सबनेट में होता है। हम जो उसके साथ एसोसिएट करेंगे वो पब्लिक सबनेट को एसोसिएट करेंगे, बट एक्चुअल में जो नेटिंग है, यानी पब्लिक से प्राइवेट IP कन्वर्ट करना, प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट करना, वो इंटरनेट गेटवे करता है, राइट? यानी जो आपके EC2 इंस्टांस को
इलास्टिक आईपी मिलती है, वो इलास्टिक आईपी उसके पास खुद के पास नहीं रहती, वो इंटरनेट गेटवे के पास रहती है। हालांकि वो होती आपकी है, पर रहती किसके पास है? इंटरनेट गेटवे के पास। ये कुछ ऐसा है कि आपके जो पैसे हैं वो बैंक के पास पड़े हैं, बट इट डजंट मीन कि वो पैसे बैंक के हैं, वो पैसे आपके ही हैं, पर उसकी सुरक्षा या उसकी जो देख रेख है वो बैंक कर रहा है। आप जब चाहें वो पैसे ले सकते हैं। दिस इज सिमिलर टू दैट कि आपकी इलास्टिक आईपी की जो मैनेजमेंट है या जो होता है वो इंटरनेट गेटवे के पास रहता है और वो कनेक्टेड आपकी EC2 के साथ है, यानी मिला EC2 को हुआ है, EC2 के नाम पे है, बट मैनेज कौन कर रहा है या बैक एंड पे उसको हैंडल कौन कर रहा है, वो इंटरनेट गेटवे ही कर रहा होता है, राइट। इट सपोर्ट बोथ IPv4 एंड IPv6। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं कि क्या इंटरनेट गेटवे हमारा जो अमेजन का इंटरनेट गेटवे है क्या वो IPv6 को सपोर्ट करता है? यस, ये इंटरनेट गेटवे जो अब अमेजन का है ये IPv6 को सपोर्ट करता है, राइट। तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं, वन बाय वन हमने कई सारी चीजें सीख ली हैं। इंटरनेट गेटवे हम पढ़ चुके हैं, राउट हम पढ़ चुके हैं, राउट टेबल हम देख चुके हैं, कस्टम राउट टेबल क्या होता है, मेन राउट टेबल क्या हो चुका है होता है ये हम देख चुके हैं, पब्लिक सबनेट प्राइवेट सबनेट ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। अभी हमारा नेट गेटवे रह गया है, राइट, और कुछ और चीजें रह गई हैं जो अभी हमें डिस्कस करनी है। तो आई होप लेक्चर ये काफी हो गया है, इससे ज्यादा बड़े लेक्चर मैं अब नहीं बनाना चाहता, बिकॉज फिर आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चलिए, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा, इंटरनेट गेटवे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा AWS में, और इसका रियल टाइम में सब कुछ हम लैब में करेंगे। डोंट वरी, आप पहले थ्योरी पढ़ लें, नोट्स बना लें, आप जब मेरी लैब करेंगे तो आपको हर चीज समझ आ जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें सही है। और एक चीज और है, एक काइंड ऑफ डिस्क्लेमर आप कह सकते हैं कि कई बार कुछ चीजें गलती से मेरी जबान से या मेरे दिमाग में कुछ कंफ्यूजन की वजह से गलत निकल जाती हैं, राइट। होता है कि मैं कोई कॉन्सेप्ट आपको वहां पे किसी दूसरे से कंपेयर करके मैं कुछ गलत कह जाऊं या कुछ गलत बोल दूं, बट वो चीजें अगर आप मतलब थोड़ी सी मतलब कई बार ऐसा हो जाता है तो आप लोग कमेंट करते हैं कि आपने ये चीज गलत, इट माइट बी पॉसिबल, राइट। बट मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश यही करता हूँ कि यार आपको मैक्सिमम चीजें दूं, राइट। तो कई बार वो कंफ्यूजन की वजह से कुछ और दिमाग से निकल जाता है, तो माइट बी पॉसिबल ऐसा हो सकता है, तो थोड़ा सा यार कोऑपरेट करें और उस चीज के लिए माफी मैं चाहता हूँ अगर ऐसा कभी होता है। बट वैसे 99% केसेस में आपको जो है ऑथेंटिक डेटा ही मिलेगा, राइट। और कई बार मैं आपको एग्जांपल देने के चक्कर में कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इधर से उधर हो जाता है, राइट, आपको आसान वे में समझाने की वजह से, और मैं चाहता हूं आपको आसान वे में समझाऊं, इसलिए मुझे थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, और कई बार होता है कि वो बात थोड़ी सी कुछ गलत हो जाती है या आप कहते हैं कि ये टेक्निकली करेक्ट नहीं है, इट माइट बी पॉसिबल। मेरा पर्पज है आपको समझाना, बुनियादी बातें समझाना, राइट। मैं वो ट्रेडिशनल टीचर या प्रोफेसर नहीं हूं यूनिवर्सिटी का जिनकी बातें समझ नहीं आती, बातें सारी सही होती हैं पर समझ कुछ भी नहीं आता, राइट। तो मैं ये चाहता हूं कि यार आपको समझ आए, आपके जहन में आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाए, और AWS इस समय मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांडिंग है एज एन इंजीनियर, आप ये बात जानते हैं अगर आप इस लेक्चर को पढ़ रहे हैं। तो मेरी बस कोशिश यही है कि आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकें, आपको इस टेक्नोलॉजी की वजह से कोई जॉब बैरियर आपके आप फेस ना करें, कहीं आप रिजेक्शन फेस ना करें, और आई होप आपको ये सीरीज जिंदगी में कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेगी। चलिए, अगर ऐसा है तो दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। तो इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, और वीडियो को शेयर जरूर करें, और बाकी ख्याल रखें अपना, खुश रहें, आबाद रहें, और थोड़ी सी मौज मस्ती भी करें, राइट। तो चलिए, जाइए चाय वाय पी के आइए, और ख्याल रखिए अपना।